दुश्मन हर दस्ते ओम दुश्मन हर दस्ते औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज हम वतनों गिलगित बल्तिस्तान के गयूर नौजवानों और पिंडाल में मौजूद बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम। आज हमारी कौम ने जिस जुर्रत और हिम्मत का मुजाहिरा करते हुए इस रियासत के जबरी काले कानून शेड्यूल फोर को मेरी कौम के नौजवानों ने, मेरे कौम के बुजुर्गों ने मुस्तरद करते हुए इसे हमें एक एजाज के तौर पे, हमारे सरों पे एजाज के तौर पे टोपियां पहनाई और हमारे घरों में, हमारे गर्दनों में खुशियों के हार डाले। हम अपनी कौम की जानिब से इसे बाईस इज्जत और बाईस इफ्तिखार समझते हैं और अपने रहनुमाओं और कौम का भरपूर शुक्रिया अदा करते हैं। मैं कौमी मसाइल के ऊपर आऊंगा। हमारे एवोल्यूशन कमेटी के कायदीन का जुर्म यह है कि हम हर वक्त अपने वतन अजीज गिलगित बल्तिस्तान और अपनी कौम की वो तमाम जायज इंसानी बुनियादी कानूनी हुकूक के हुसूल का मुतालबा करते हैं और जबर इस्तेहसाल के कवानीन की मजम्मत करते हैं। यही हमारा जुर्म है और जब तक हम जिंदा हैं ये जुर्म इंशाअल्लाह करते रहेंगे। गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान के इंतजामी इंतजाम और इंसराम के बाद 77 साल हमारे गुजर गए। 77 सालों में 42,000 मुरब्बा मील की इस सरजमीन को सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी से नवाजा गया। इस हुकूमत और इस रियासत को सोचना पड़ेगा। इस गिलगित बल्तिस्तान के पास एक खवातीन की यूनिवर्सिटी नहीं, जबकि आप दूसरी तरफ आजाद कश्मीर की तरफ देखें तो वहां पे दर्जनों यूनिवर्सिटियां कायम की गई है और हमें कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान ने बहुत तरक्की की। मेरे साथ मेरे इल्म का कत्ल, मेरी शऊर का कत्ल किया जाता है और मैं कब तक बर्दाश्त करूं। मेरा शुरू दिन से मेरी कौम का माशी कत्ल होता है और हर हर महाज पे मेरा माशी कत्ल। आज तक मेरी कौम ने जो कुछ हासिल किया, जितनी तरक्की की, अपने जोर बाजू पे किया, अपनी मेहनत पे किया, इस हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान ने या इस हुकूमत पाकिस्तान ने मेरे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम को क्या दिया। मेरे गिलगित बल्तिस्तान की आवाम सालाना अरबों रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स पे करती है, उसके बदले में चंद करोड़ों रुपए देके मुझे ताने से नवाजा दिया ग्रांट इन एड के नाम पे। मेरे जमीनों को खालिसे सरकार के नाम पे लूटा गया, नोचा गया। 1986 से लेके आज तक जितने भी सरकारी अलॉटमेंट और इंतकाल हुए, हमारा मुतालबा है इस प्लेटफॉर्म से हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान उन तमाम गैर कानूनी और गैर आइनी अलॉटमेंट और इंतकाल को मंसूख करे। उसके बाद हम देखेंगे गिलगित बल्तिस्तान की जो लैंड रिफॉर्म्स एक्ट कमेटी जो बनी है, उस सूरत में हम लैंड रिफॉर्म्स कमेटी की जो कमीशन रिपोर्ट है, हम जब तक वो सिफारिश मंजरे आम पर नहीं आते उसे हम किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। हमारा मुतालबा है कि उन सिफारिशात को मंजरे आम पर लाया जाए। गिलगित बल्तिस्तान फाइनेंस एक्ट 2024 के नाम पर एक सालाना कानून 2023 जो कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम पर गैर कानूनी टैक्सेस का निफाज हो चुका है, आवाम होश में नहीं है। इसकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान और इन हुकूमत के यही असेंबली मेंबरान ने आपके साथ धोखा करके गैजेट ऑफ पाकिस्तान में फाइनेंस एक्ट 2024 पास कराया, जो कि शाया हुआ और पूरे गिलगित बल्तिस्तान के
नहीं मानेंगे और हुकूमत को इंतहाई मुजाहमत का सामना करना पड़ेगा। गिलगित बल्तिस्तान मदरसा खत्ता है, हम आईने पाकिस्तान के जुमरे में नहीं आते, हम आईने पाकिस्तान के इकाइयों की चार इकाइयां है, हम उन चारों इकाइयों में से किसी एक इकाई का हिस्सा नहीं है। लिहाजा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं लगता, चाहे वो सुस्त बॉर्डर के ऊपर गैर कानूनी टैक्स हो या गिलगित बल्तिस्तान के शहरियों के ऊपर किसी भी जिले में किसी भी टैक्स और किसी भी फीस की शक्ल में। हमारा मुतालबा है अवाम गिलगित बल्तिस्तान का कि गिलगित बल्तिस्तान को टैक्स फ्री जोन करार दिया जाए। हम किसी किस्म का हमारा टारगेट गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गिलगित बल्तिस्तान के लिए जितना भी सामान आएगा जितना भी कारोबार हम चाइना के साथ करेंगे एक रुपए की कस्टम ड्यूटी हम देने के लिए तैयार नहीं है। किसी किस्म का हम कोई टैक्स हमारे ऊपर नहीं बनता, किसी किस्म का हमारे ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं बनता। अब वो दौर चला गया, अब वो वक्त चला गया जो तुम लोग जाबिराना और जालिमाना कानून हम पे नाफिज करते थे, तुम लोगों ने हम पे शेड्यूल फोर लगा के अवाम की आवाज बंद करने की कोशिश की, लेकिन देखो आज तुम्हारे सामने अवाम की आवाज कितनी ऊंची है और नई आवाज नई अवाम की मजबूत होगी, अवाम का राज होगा, अवाम की हुकूमत होगी, अवाम फैसला करेगी, कोई हमारे ऊपर टैक्स नहीं लगाएगा। अगर कोई भी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की अवाम पर किसी किस्म का टैक्स लगाने की कोशिश करेगी, याद रखो दिसंबर जनवरी 2024 में इसी जगह में हमने एहसान अली एडवोकेट की कयादत में पिंडाल सजाया था गंदम सब्सिडी की बहाली के लिए। तुम कहते थे एक रुपए की गुंजाइश नहीं, कहां से निकल गई 20 अरब की गुंजाइश। अब फिर गुंजाइश हम निकालेंगे, आवाम निकालेगी, आवाम की ताकत निकालेगी, सहूलतकार वो निकालेंगे, वो सहूलतकार एक पिंडाल उधर है चार बंदों के साथ। समझो हुसैनी बनो, हक को हक कहो, बातिल को बातिल कहो, जान जाने वाली है, हमसे बहुत बड़े बड़े इस दुनिया से चले गए, हम भी जाएंगे, किसी दिन तो आपके ऊपर कब्र की अंधेरी रात की वो तलवार है वो तख्ते डाले जाएंगे वो मिट्टी डाली जाएगी, तो बुजदिल बेगैरत और सहूलतकार की सौ साल जिंदगी से गैरतमंद हुसैनी की एक दिन की जिंदगी को हम अफसर समझते हैं। जैसे कि